आओगे तो मैं उन जिम्मेदारियों को और अच्छे से यूज करूंगा। तो इमला जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई यार, जबरदस्त न्यूज के साथ मैं आया हूँ दोबारा बिग बॉस की चर्चा पे। बिग बॉस की चर्चा ये जो होने वाली है बहुत खतरनाक। किसके बारे में? नया भार वाला कौन बनेगा? इसकी जो फरमाइश है बहुत जबरदस्त है कि भाई बिग बॉस ने क्या माइंड ब्लोइंग चाल चली है। तो मैं कहता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहले वो एक छोटी सी बिग बॉस की क्लिप देखते हैं, उसके बाद करते हैं हम अपनी बढ़िया वाली चर्चा। तो चलो, आज मेरे बाहर वाले को चुनने की मर्जी से पहले आप सबकी अर्जी सुनी जाएगी। दोबारा मेरे को बनाओगे तो मैं उन जिम्मेदारियों को और अच्छे से मैं ऐसे फैसले लूंगा जिससे मेरा फायदा हो। मैं कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूँ जिससे थोड़ा ट्विस्ट आए। कटारे बन सकता है, इन चारों में से ना कोई एक बाहर चले जाए। बाहर वाला बन के मुझे इन सब के साथ खेलना है। तो भाई, जैसे कि आपने एक क्लिप देखी बिग बॉस ने क्या माइंड ब्लोइंग चाल गेम चली है अपनी कि कौन बन सकता है। पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अब नया बिग बॉस में बाहर वाला कौन बन सकता है? फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे वह कमेंट कर दो, कमेंट करके बता दो। जो अपन को लगेगा उसके ऊपर लड़ाई करेंगे। इतना तो नहीं हो पाएगा, वो बिग बॉस की मर्जी है। पर मेरे हिसाब से वापस करप्ट को ही बनाना चाहिए। कोई और बनेगा तो सब समझ जाएगी। अब दोबारा करप्ट बनेगा ना तो वो चीज़ एक अलग ही चलेगी। तो मेरे हिसाब से तो भाई करप्ट को ही बनाना चाहिए, मतलब कटारिया भाई को बने। वो नहीं हो सकता तो विशाल, बस अदनान नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो बाहर, मतलब बाहर से अभी आया है तो उसको दुनिया समझ जाएगी कि भाई, मतलब घर वाले ही, कि वो बाहर वाला बना है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ वोट खाली दोबारा कटारिया को या विशाल को। सना को, सुल्तान को, सना मकबूल को बनाइए तो वो कह रही है कि भाई मैं घर वालों के साथ खेलूँ, ये भी अच्छा है। बस कोई भी बन जाए पर गेम के अंदर ट्विस्ट लाना खतरनाक वाला, उसमें आएगा मज़ा, तो मज़ा एक नंबर वाला। तो मैं तो कहता हूँ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कौन बने कौन नहीं बने। तो चलो, कुछ वीडियो नहीं देखती, बस प्यार दिखाते रहना वीडियो पे। चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।